तो सर एक्चुअली यहाँ पर हाँ एक्चुअली यहाँ पर जब आए आए हम पहले दिन जो कैंड आपने कैंडल्स पढ़ाई जब वो वीडियो वगैरह देखते थे ना आप बोलते थे कि ब्रह्मास्त्र है ये है तो उस टाइम एक बार भी ऐसा क्लिक नहीं हुआ कि इट मे भी ये ब्रह्मास्त्र कुछ कैंडल होगी तो जब पहले दिन ब्रह्मास्त्र वो छह कैंडल बताई तो बहुत डिसमूड हुआ फर्स्ट डे जो रियल है वो फ्रेंकली बता रहा हूँ बहुत डिसमूड हुआ आई थॉट कि यार ये क्यों मतलब प्रेल ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र बोले आप बोल रहे हैं कैंडल है फिर जब शाम में घर में जाके जब रूम पे जाके जब देखा तो वो सभी कैंडल्स ना मतलब वो मुझे मालूम थी उस डिसमूड इसलिए हुआ क्योंकि वो सब नोटबुक में, में मेरे लिखी हुई थी कहाँ वो फॉर्मेशन वो एंट्री एग्जिट्स लेकिन उसके साथ और पचास कैंडल भी थी तो जब रूम पर जाके देखा तो अभी आपने बोला था ठीक है अभी इतना आए तो वो जो आपने बोला था कि विश्वास रखना है तो ठीक है मैंने वो ट्रस्ट किया तो अभी मुझे ना सब जितने भी मैं देख रहा था सभी जगह वो छः कैंडल ही नज़र आ रही थी और वही से मार्केट डाउन हो रही थी नहीं तो आप हो रही थी अब उस दिन आ, मुझे लगा नहीं यार अभी एक बहुत ये है कि हम एक समुंदर पहले देख रहे थे ट्रेडिंग का अब थोड़ा सा स्विमिंग पूल बन गया है अभी मतलब कल तक मेरा ये ये था कि स्विमिंग पूल बन गया अभी एक समुंदर था वो टेडिंग का अभी स्विमिंग पूल बन तो जब वो कैंडल फिर आपने और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का उसमें ये डाला टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस का उसमें आ, फिल्टर लगा दिया तो और वो थोड़ा स्क्वीज़ हो गया तो स्क्वीज हो गया तो उससे फिर आ, बहुत ये करके देखा तो उसमें फिर डिसमोड हो गया क्यों क्योंकि देख रहे तो क्वाली नहीं मिल रहा है कहीं तो मैं पांडे जी और चार पांच लोग हम कल छुट्टी थी सुबह तो बैठे कल तक मैं परेशान था सर को भी बोल रहा था अर्पित सर को बोल रहा था कि सर क्वालि नहीं मिल रही है और नहीं मिलेगी तो फिर क्योंकि मार्केट इतना बुलिश हो रहा है इतना बेरिश हो रहा है अगर तब नहीं मिलेगी तो फिर काम कब करेंगे हम तो जब कल हम चार पाँच लोग बैठे मल्टीपल ट्रेड सामने एक एक महीने के बैक टेस्ट किए तो उसमें चार पांच कॉल एक महीने में तीन से चार पांच कॉल मिलती है एक ट्रेड की तो 22 दिन तो होते हैं अपने पास पांच छः कमोडिटी है एक की तीन तीन भी मिल गई तो साइट्रिक एटीन कॉल्स तो बन रहे हमारे और जो बने थे ना उसमें से फेल एक भी नहीं हुआ था क्योंकि वो हंड्रेड परसेंट जो आपने जो फॉर्मूला वगैरह लगाया था तो हंड्रेड परसेंट बैठ रहा था एकदम बैठ रहा था उस पर और तभी हमने कंसिडर किया कि ये है तो उसी को हम मान के चलेंगे कि ये परफेक्ट कॉल बैटरी है तो वो फिर उसके बाद मतलब मैं कल शाम तक आप, आपको भी लास्ट क्वेश्चन करने के लिए मैं आया कि सर बुलिश में भी नहीं हो रहा है बेरिश में भी नहीं हो रहा है बट वो फाइनली मैं ये अंडरस्टैंड किया कि नहीं ये जो है वो एक्सपीरियंस से मुझे आएगा और वो बाद में जब आपने बोला कि मैंने तो ऊपर से सेल करके रखी है तो जब मैं एक अभी जैसे कि कोई पकड़ लूँगा उसका ट्रैक तो उसके बाद मैं छोड़ूंगा ही नहीं ना उसको मैं बोलूँगा कि अभी ये ऊपर तक इसका टारगेट है तो मैं अंदर भी घुस सकता हूँ उस बेसिस पर नीचे की स्टडी पर वो आपने नहीं बताया हुआ क्वेश्चन का आंसर मुझे कल मिल गया शाम में कि भले ही मुझे वो मिला नहीं था फॉर्मूले के हिसाब से लेकिन मेरा फार्मूला ऑलरेडी नीचे लगा हुआ है उसके हिसाब से टारगेट ऊपर ही है तो मुझे फिर देखना नहीं है कि फिर वो क्या मैं घुस पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ तो इस हिसाब से जो कॉल बन रही ना तो एकदम परफेक्ट कॉल बन रही है तो अब मुझे फुल्ली कॉन्फिडेंस हुआ है कि यस हम जो यहाँ पर आए ना डेफिनेटली और एक चीज़ थी मैं यहाँ पर जो आया ना तो मैंने एक दूसरे भाई से वगैरह सजेशन लिया कि मैंने आपका वीडियो वगैरह लिंक वगैरह शेयर किया तुम देख लो ये कै कैसा है मतलब नाम सेलेक्ट ये किया था तुम सर्च कर लो पहला ही वीडियो उसका उसको वो निगेटिव वीडियो एक आपके बारे में यूट्यूब पर आया था वो दिख गया कि उसने ये नहीं देखा पहले वो देख लिया और देखने के बाद देखिए देख बोले ऐसा है और ये सब फेंक है ये ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ही इज़ ऑल्सो इन मार्केट वो ज़्यादा करता नहीं लेकिन तो बोले ऐसा कुछ नहीं रहता वो फेंक है बोले तुम मत जा मैं बस इस इसलिए आया क्योंकि जो लोग बोल रहे थे कि सर फॉर्मूला सक्सेस हो रहा है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है तो मैं बोला यार डेढ़ लाख रुपए देने के बाद अगर कोई बंदूक भी रख देना कि ये गलत होगा तो आप तो बोल दे सच है सच है तो भी नहीं मैं तो नहीं बोलूँगा तो आई थॉट मेरे जैसे बाकी भी लोग नहीं बोलेंगे इसीलिए मैं बस यहाँ तक आया क्योंकि अभी मैं डेढ़ लाख रुपए दे रहा हूँ और आपका फार्मूला ही काम नहीं कर रहा है आप जैसे बोल रहे हैं और फार्मूला काम भी नहीं कर रहा है और मैं आप मुझे अभी खड़ा कर रहे हो और बोलो चलो फार्मूला काम कर रहा है बोल के मैं रिकॉर्ड कर लूँगा तो मैं नहीं बोलूँगा क्यों नहीं बोलूंगा तभी बोलूँगा जब सक्सेस हुआ ऐसा मुझे कन्फर्म हो रहा है और ये मुझे कन्फर्म हुआ इसलिए मैं बोला नहीं तो बोला नहीं और उसी बेसिस पर मैं आया हूँ और आई थॉट यही लोग बाकी लोग भी उसी बेसिस पर आए हैं यहाँ पर तो ये डेफिनेटली और लास्ट में जो मैंने लिखा है दैट इज़ मैं दूसरा कुछ वर्ड लिखना चाहता था पीनट्स बोलते हम लैंग्वेज में क्या आप एक पीनट्स पर एक इतना सब दे रहे हो वो उस हिसाब से वो लिटिल अमाउंट मतलब ये जो आपने फॉर्मूला बताया वो लिटिल अमाउंट मतलब कुछ पीनट्स ही है ये खेल में क्योंकि जैसे कल रात में आपने जो ट्रेड लिया कितना ये सब का कैलकुलेशन भी जोड़ा हमने कितना मिला होगा आपको तो आप तो ये चार दिन में तो उससे ज़्यादा निकालते थे तो दैट इज़ नटिंग जो अमाउंट यहाँ से आपको जनरेट होगी दैट नटिंग फॉर यू वो कोई मायने नहीं रखती ये सब आपको देने के लिए तो थैंक यू वेरी मच कि जो ये आप इतना कम अमाउंट पर और इस पर कर रहे हो ना दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस और जो हमारी लाइफ अगर हम आपके रूल के हिसाब से ही हम करते हुए जाएंगे और जो हम कभी आगे चल के जो सक्सेस होंगे तो उसका श्रेय खाली आपको ही जाएगा तो थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये वीडियो में मैं यहाँ पर आया ना तो महाराष्ट्र का वीडियो देख के ही आया था क्योंकि ये जो हाँ हाँ आलंदी और और एक दो भी लोग थे ये थे तो महाराष्ट्र के वीडियो देख के आया था और मैं तभी मन बना लिया था कि सी मैं ज़्यादा आउट ऑफ महाराष्ट्र गया कभी भी गया नहीं उनके लोगों के साथ रहा भी नहीं तो महाराष्ट्र के लोग तो ऐसे ही है कि हुआ तो ही बोलेंगे नहीं हुआ तो नहीं बोलेंगे <laughs> तो उन्होंने बोला मतलब उनको रियलाइज हुआ दिस इज ट्रू और मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है दिस इज़ ट्रू विल सी कि मैं अगर मेहनत करूँगा तो डेफिनेटली मैं सक्सेस हो जाऊँगा आगे और मैं ये भी लिखा हु कि आई विल कम बैक टू यू कि जब मैं ये uh, फाइनल मतलब इसको जो लेवल तक मुझे चाहिए अचीव करना वो करूँगा तो डेफिनेटली फिर भी एक बार मिलने आऊँगा मैं आपसे थैंक यू सर